कि एक महादलित को मुख्यमंत्री बनाया गया और उनको हटाया गया, इसकी चर्चा उन्होंने की। ऊपर से ऐसा दिखता है, लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि कम से कम एक महादलित को मुख्यमंत्री बनाने का हिम्मत अगर किसी ने किया वो नीतीश कुमार ने किया। और एक दो दिन नहीं, 9 महीना तक बजावता काम करने का अवसर भी मुझे मिला, और कुछ परिस्थितियां ऐसी आई कि मैं स्वतः त्याग पत्र दिया, हमको हटाया नहीं गया है, इतना मैं कहना चाहता हूं। और मैं ये भी कह सकता हूं कि आज नीतीश कुमार कुछ ही दिन के लिए सही मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, तो आज बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जिसका लाभ एक महादलित परिवार को मिल रहा है जो किसी ने नहीं दिया था, ये मैं कहना चाहता हूं। महोदय, दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि हमको भी ऐसा लगता था जब हम मगध यूनिवर्सिटी के प्रांगण में एक दो बार गए और हमने देखा कि वहां के बच्चे महीनों महीनों से गेट पर बैठ करके धरना दे रहे हैं। किस लिए धरना दे रहे थे? कि भाई उनका रिजल्ट, उनकी परीक्षा बहुत लेट 2 बरस 3 बरस 4 बरस तक हो रही है और रिजल्ट नहीं आ रहा है। और दूसरी बात कि वहां पर जो प्रशासक हैं कोई लोकल नहीं है, कोई बिहार के नहीं है, सब बाहर के हैं। हमारा कभी भी राजभवन पर शिकायत करने का इरादा नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि जब मगध यूनिवर्सिटी में इस प्रकार की अराजकता हुई बाहरी पदाधिकारियों को पदस्थापित करके, और वहां जब परीक्षाएं विलंब से होने लगी, रिजल्ट विलंब से होने लगा, जिससे लोगों में आक्रोश की बात आई, तो निश्चित रूप में समस्त बिहार में इस प्रकार की बात होगी। और हम अंबेडकर साहब के शब्दों में कहना चाहते हैं कि शिक्षा ही एक ऐसी विधा है जिसके सहारे हम आगे बढ़ सकते हैं, और खास करके उच्चतर शिक्षा की यही स्थिति बिहार में हो गई थी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, वैसी परिस्थिति में परिवर्तन की आवश्यकता हम भी समझ रहे थे। और उस परिस्थिति में माननीय नीतीश कुमार जी ने जो निर्णय लिया और तेजस्वी जी के साथ आज जो सरकार बनाने की काम किया है, हम उनका समर्थन करते हैं, उनको हम धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।